Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बहुचर्चित कपिल देव सिंह हत्याकांड 2009 में हुआ था। इस हत्याकांड को जोड़ते हुए मुख्तार अंसारी पर साल 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया था और इस मामले में 27 अक्टूबर को MPML कोर्ट जो है वो फैसला सुना सकते हैं। आपको बता दें कि कौन थे कपिल देव सिंह, जिनकी हत्या के करीब 12-13 साल बाद मुख्तार पर फैसला आना बाकी है और इस फैसले को लेकर सभी की नगह टिकी हुई है। हालांकि इस मामले के मूल केस में मुख्तार को बरी किया जा चुका है और फैसला गैंगस्टर एक्ट से जुड़े होने से संबंधित है। बात करें तो उस दौर के एक क्राइम रिपोर्टर ने नाम नहीं छापने की शर्त पर एक चैनल से बातचीत के दौरान कपिल देव सिंह और उनकी हत्या से जुड़ी अहम जानकारी बताया है। करंडा थाना क्षेत्र के सुवापुर गांव के रहने वाले कपिल देव सिंह एक टीचर थे, शिक्षक थे। अपने सरल स्वभाव के कारण वह आम लोगों के बीच खासे प्रसिद्ध थे। रिटायर होने के बाद वह इस गाँव में रहते थे। अपराध जगत से जुड़े सूत्रों का हवाला देते हुए क्राइम रिपोर्टर ने बताया कि साल 2009 में सुवापुर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति एक आपराधिक छवि के व्यक्ति के घर पर कुर्की की कार्रवाई हुई, जिसमें पुलिस ने कुर्की के दौरान घर में मौजूद सामानों का लिस्ट बनाने के लिए कपिल देव सिंह को ही मौके पर बुलाया था। उन्होंने पुलिस के कहने पर जब्त किए गए सामानों की लिस्ट जो है वो बनाई थी। सूत्रों के अनुसार उस वक्त अपराधी को यह लगा कि कपिल देव सिंह उसकी मुखबिरी करने के साथ ही पुलिस से मिले हुए हैं, ऐसी स्थिति में उनकी हत्या हुई। मुख्तार के वकील लियाकत अली के अनुसार इस हत्या के दौरान मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे। इस हत्या के मामले में विवेचना अधिकारी ने विवेचना में दौर FIR में मुख्तार अंसारी का नाम जोड़ा था और इस हत्या के मूल केस में मुख्तार पहले ही बरी हो गए हैं। अब इस हत्याकांड और मीर हसन के हत्या के प्रयास के मामलों को जोड़ते हुए मुख्तार पर चल रहे गैंगस्टर के मामले में 27 अक्टूबर को फैसला आना है। इसी मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी पर केस बना हुआ है, जिसकी सुनवाई अदालत में चल रही है। कपिल देव सिंह की हत्या हुई उस वक्त बसपा की सरकार प्रदेश में थी। लंबे समय से यह केस कोर्ट में चल रहा है। अब इसकी MPML कोर्ट में चल रहा है, जिसके चलते यह केस आजकल चर्चा में बना हुआ है। हालांकि कपिल देव सिंह का अपराध जगत से कोई भी ताल्लुक नहीं था। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस मामले में जब पूरा का पूरा रिपोर्ट आता है तो क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। बाकी आपको क्या लगता है बताइए। धन्यवाद।